तो देखिए, चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सेल का प्रदर्शन होना है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल कूच कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। नारी शक्ति बंधन कानून में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव कर रहे हैं इसकी अध्यक्षता। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सेल का प्रदर्शन, चंडीगढ़ में ये प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल कूच कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल कूच, नारी शक्ति बंधन कानून में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग हो रही है। प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और चंडीगढ़ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सेल का प्रदर्शन देखने को मिला है। नारी शक्ति बंधन कानून में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहा है कांग्रेस का ओबीसी सेल। देखिए, नारी शक्ति बंधन कानून में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग लगातार हो रही है, और इस बीच हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सेल का प्रदर्शन जो है इसके लिए देखने को मिला है। इस प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कैप्टन अजय यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस का ओबीसी सेल प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल कूच कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, और ये तस्वीरें भी प्रदर्शन को लेकर सामने आई हैं। अब देखिए, इसी से जुड़ी एक और जानकारी हम यहां पर आपको दे देते हैं। बता दें कि राजभवन कूच कर रहे हैं कांग्रेस नेता, जिनको रोका गया है। राजभवन कूच कर रहे कांग्रेस नेताओं को रोका गया है। पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर पैदल कूच को रोक दिया है। सरकार ओबीसी महिलाओं के साथ धोखेबाजी कर रही है, कैप्टन अजय यादव ने कहा यह बात इस दौरान। महिला आरक्षण कानून में ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा रखा जाए, देखिए ये मांग इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और इस बीच राजभवन कूच कर रहे थे ये कांग्रेस के नेता, जिनको पुलिस ने रोका है। बैरिकेटिंग लगाकर पैदल कूच को रोका गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैरिकेटिंग लगाकर इन्हें रोका गया है। नारी शक्ति बंधन कानून में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग की जा रही है कांग्रेस नेताओं की तरफ से, जिनको पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया है। ओबीसी महिलाओं के साथ धोखेबाजी कर रही है सरकार, ऐसा कहा है कैप्टन अजय यादव ने। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजभवन कूच कर रहे थे ये कांग्रेस के नेता, जिनको रोक दिया गया है, और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं को रोका गया है, पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर इन्हें रोका है। राजभवन कूच करने से इनको रोका गया है, बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सेल का ये प्रदर्शन, नारी शक्ति बंधन कानून में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल कूच कर रहे थे कांग्रेस नेता, जिनको रोक लिया गया है। पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर इन्हें रोका है। साथ ही आपको बता दें कि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जो हैं, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से देखिए, शुरू से ही ये मांग की जा रही थी, जब से महिला आरक्षण बिल रखा गया था तब से उनकी तरफ से ये मांग हो रही थी कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण अलग से रखा जाए। और अब ये कानून बन गया है, नारी शक्ति बंधन कानून, और इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के ये नेता। देखिए, कांग्रेस नेताओं की तरफ से नारे भी लगाए जा रहे हैं, हालांकि पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर इन्हें रोक दिया है। महिला आरक्षण कानून में ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा रखा जाए, ये मांग है इनकी।
राजभवन कूच कर रहे कांग्रेस के नेताओं को रोका गया है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई है। नेताओं की तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है। सरकार पर आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से।